कार या बाइक की सुपरदारी कैसे करवाएं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपकी कोई गाड़ी है या बाइक है, वो कहीं चोरी हो जाती है, ठीक है। चोरी होने के बाद वो पुलिस को मिली जाती है, मिलने के बाद वो क्या थाने के अंदर रोक देती है। अब वहां से उसको रिलीज कैसे करवाएं, उसको कैसे छुड़वाएं, उसका जो प्रोसेस है उसी को बोलते हैं सुपरदारी। वो कोर्ट के माध्यम से होती है, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा, मान के चलो आप ही ने उस गाड़ी से या बाइक से कोई गलत काम किए हैं, जैसे कि उस गाड़ी या बाइक से आपने कोई नशीला पदार्थ इधर उधर किया है, उससे आपने खरीद बेच किया है उसके ऊपर से, तो वो पुलिस जब्त कर लेती है। अब उसको वहां से रिलीज कैसे करवाएं, तो पहली बात तो है वो ओनर को ही देती है, ठीक है। जैसे आपने कई बार गलती कर देते हैं, हम एफिडेविट पे गाड़ियां ले लेते हैं, तो उसमें अपने को नहीं मिलेगा वो। अगर आप गाड़ी के ओनर हैं, बाइक के ओनर हैं, तो ही आपको सुपरदारी मिलेगी। सुपरदारी मतलब सुपुर्द करना आपको, ठीक है। उसके लिए अपने को कोर्ट से ऑर्डर लेना होता है सुपरदारी का, ठीक है। उसमें क्या होता है, वकील के माध्यम से आप कोर्ट में, जो भी आपकी कोर्ट लगती है वहीं से होगा, ठीक है। जो जिस थाने के अंदर वो कोर्ट लगती है, अगर सेशन ट्रायल है, यानी कि कोई एनडीपीएस का केस है, तो कोर्ट से सेशन कोर्ट से होगा, ठीक है। जो भी एनडीपीएस की कोर्ट है अपने, अगर छोटी जैसे कोई चोरी का है और है, तो आपकी जो भी मजिस्ट्रेट साहब है वहां से हो जाएगा। तो वहां पे वकील के माध्यम से हम लगाएंगे एप्लीकेशन सुपरदारी की। लगाने के बाद वहां पे वो पुलिस को रिपोर्ट करेगी, पुलिस अपना वहां पे जो भी अपना जवाब दवा होगा दे देगी भी, हाँ हमारे पास ये बाइक है या गाड़ी है, ठीक है, किस केस में हमारे पास है, ठीक है। तो उसके जो भी कागजात वगैरह है आप उसमें एप्लीकेशन में दे सकते हैं, भी आरसी हमारे पास है या पुलिस के पास है, इंश्योरेंस है या नहीं है, उसमें आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कोर्ट ऑर्डर कर देती है आपकी रिलीज का, ठीक है। अगर आप ओनर है तो आपको सुपुर्द करने के लिए, सुपरदारी के लिए ऑर्डर कर देती है। ऑर्डर भी दो तरह से कर सकती है, सर्टिफिकेशन ऑफ एसएचओ यानी कि एसएचओ के माध्यम से आपको दे सकती है, ठीक है। ऑर्डर कर देगी भी, आप ऑर्डर लेके जाइए एसएचओ साहब के पास, वहां श्योरिटी बॉन्ड दीजिए, एक श्योरिटी मतलब एक जमानती दीजिए वहां पे, ठीक है, और अपनी जो भी गाड़ी बाइक ले लीजिए, या कोर्ट के माध्यम से भी ले सकते हैं। कोर्ट के ऊपर है, कोर्ट ऑर्डर क्या करती है, भी कोर्ट के माध्यम से देती है या अपने एसएचओ साहब के माध्यम से देती है, ठीक है। कोर्ट के माध्यम से भी दे सकती है, कोर्ट में भी आपको वहां जमानती देना पड़ सकता है। फिर वहां पे अगर हम कोर्ट में जमानती दे देते हैं, तो कोर्ट से अपने को रिलीज ऑर्डर मिल जाता है। वो रिलीज ऑर्डर अपने जहां भी अपनी बाइक या गाड़ी खड़ी है, वहां पे हम जो भी थाने के इंचार्ज हैं, ठीक है, वहां पे जाके हम दे सकते हैं, ठीक है, भी हमारा ये बाइक छोड़ दीजिए, आपको ऑर्डर लो, तो वो छोड़ देंगे। तो ये प्रोसेस है भी, इसको बोलते हैं सुपरदारी, ठीक है। तो जब तक अपना ये केस चलता है, हम उस साधन को ना हम कहीं बेच सकते हैं, ना उसके हम मॉडिफाइड जैसे कि उसकी कलर वगैरह नहीं कर सकते चेंज, तो अपने पास हम इस सिर्फ मान के चलिए, सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको चलाने के लिए वापस ले सकते हैं। और एक चीज ये जरूरी है भी, इसके हम ऑन रहे तो ही हमें मिलेगा, अगर अपने एफिडेविट पे एफिडेविट आगे से ले रखा है तो हमें नहीं मिलेगा। तो इस चीज का यहाँ पता लगता है, ठीक है। तो अगर अपने नाम वो गाड़ी है तो अपने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये इसमें जरूरी है। तो इस तरह के ऑर्डर होते हैं कोर्ट से, अपने को मिल जाते हैं, ठीक है। सो तो इसको बोलते हैं सुपरदारी करवाना, ठीक है। तो जैसे कि अपनी कोई गाड़ी है, चोरी हो गई है, या हमने इससे कोई इस तरह का काम किया है जो कानूनी अपराध है, अपनी गाड़ी को पुलिस ने जब्त कर लिया है, तो वो अपने को मिल जाएगी, इसकी सुपरदारी करवाना बोलते हैं। तो इससे आप सुपरदारी करवा सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।